जो आदमी है ना पान की दुकान पे नीला कुर्ता पहना हुआ है उसने, वही ये मुझे जबरदस्ती उठा के लेकर गया था। तुम्हारे बाबू को फोन करती हूँ। I'm sorry, Emily sir. जानते बूझते मैं गलत इंसान का साथ नहीं दे सकता। तुम्हारे बाबू तो फोन ही नहीं उठा रहे। वो तो जा रहे हैं, कहीं भाग जाएगा। हमें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। हम दोनों मिलकर पकड़ लेंगे उनको। बेटा हम लोग ये सब नहीं कर सकते, पुलिस करेगी ये सब। चलो गंगा, गंगा, गंगा रुको। गंगा, गंगा रुको, गंगा, गंगा, गंगा। बुलबुल वो देख वो विधवा आ रही है। ये देखो बुलबुल इस लाइन में खड़ी हो गई है और अभी तक तो उसकी यूनिफॉर्म भी चेक नहीं हुई। बड़ी तीस बार खान समझते है ना अपने आप को ये लड़की। आज इसके अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। प्रिंसिपल के सामने मेरी बेइज्जती करके बड़ा मजा आया ना तुझे। अब देखती हूँ कौन बचाता है तुझे। हमें जाने दो ना, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें झगड़ा करना है ना बाद में कर लेना, पहले हमें जाने दो ना प्लीज। डर गई क्या? जरूरी काम का बहाना बना रही है। चल छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो, अरे छोड़ो हमें। अरे तुम लोग देख के रहो धक्का तो से, अरे छोड़ो। मैं तुम्हें आवाज देती रही और तुम भाग गई। बेटा हर वक्त बहादुरी दिखाना ठीक नहीं है, कई बार दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। बेटा बहुत खतरनाक है वो लोग, उनसे उलझना ठीक नहीं है। पर भौजी वो भाग जाएगा। गंगा मैंने कहा ना पुलिस पकड़ लेगी उन्हें। बेटा तुमने उन्हें पहचान लिया है और मेरे पास उनकी तस्वीर है, अब वो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। और वैसे भी बहुत सारा सामान लेना है, चलो चलते हैं। शाम को जब बाबू आएंगे ना तो फिर हम उनके साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है? चल। महाराज जी भी ना खुद तो काम का बहाना बनाकर गायब हो गए, अब उनके हिस्से का भी काम हमको ही करना पड़ता है।
मेरा मुंह क्यों देख रही है? जाके छत पे है, कपड़े है, उठा ले। बरसात होगी तो गीले हो जाएंगे, चल। अरे वो लेके जाओ। ये क्या बात है सुधा, तब से पूछो कुछ बताती नहीं। आजकल तो मुझसे मिलने भी नहीं आती है, और उस दिन आश्रम में ठीक से मुझसे बात भी नहीं की। रूठी रूठी अकड़ी अकड़ी से रहती है, क्या बात है, बोलना। कहने को तो अम्मा जी कहती है ये, और फिर मुझसे बात छुपाती। बताओ ये कोई बात हुई? गंगा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा ना, आपके बाबू और पुलिस मिलकर उस गुंडे को पकड़ लेंगे, चिंता मत करो। देखो तेल लेना तो मैं भूल ही गई, चलो तेल लेते चलो। अब क्या हुआ गंगा? वो देखो पहुंची वो लोग। देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो चलो चलो। बोझी, कोई और भी है उनके साथ जो बात कर रहा है? गंगा, चलो गंगा। पूरे गुंडों को जानते हैं क्या? ओम का भाई साहब इतना गिर जाएंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। के पैसे मांग रहे हो? दिए तो इतने पैसे, दिए कि नहीं दिए? भाई ने फोन पे बताया ना सेठ को, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से दूर चले जाएं और अपना मुंह भी बंद रखें, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी सेठ। अरे भरोसा क्या है तुम जैसे लालची लोगों का, है? पैसे लेकर भी अगर थाने चले गए तो? हमारे ऊपर भरोसा नहीं तुम्हें, तो हमारे साथ काम क्यों करते हो? ठीक है सेठ, भरोसा नहीं है तो चल रहे, अब सीधे पुलिस स्टेशन ही चलते हैं। अरे पागल हो गए क्या तुम लोग? जगह जगह पे दिमाग है कि नहीं? देखो सेठ, तुम्हारी वजह से पहले भी बहुत सौदे में नुकसान हो चुका है मेरा, समझ रहे हो? तो अभी अपने को पैसे चाहिए तो चाहिए बस। गंगा चलो। मार्केट गए थे, वहां गंगा ने उस आदमी को देखा जिसने उसको किडनैप किया था। हम उसके पीछे गए तो हमने देखा वहां उनके अलावा कोई और भी था। हम सोच भी नहीं सकते वहां कौन था। ओमकार भाई साहब। हाँ, मुझे भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। ये देखिए देखिए,
सुधा सुनो, सुनो तो सही, हमें समझ नहीं आता है तुम भागते क्यों हो हमसे। एक भला आदमी मेहरबानी कर रहा है तुम पर, तुम्हारी इस मुरस्थल जिंदगी में थोड़ा सा रंग भरना चाहता है। चेतावनी देने आए हैं तुम्हें, भूल कर भी अपना मुंह मत खोल देना किसी के सामने। सुधा पता है ना कि औरत अपनी सफाई में कितना भी कुछ कहे, लोग इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते उस पर। अरे सागर बेटा, सागर बेटा, भाई कहाँ हो? भाई आओ भाई, जलेबी लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे व्हाट, जलेबी? हाँ हाँ आओ। रुक जा सागर। कोई जरूरत नहीं जलेबी खाने की। क्या हुआ साले बाबू? भाई अब तो तबीयत भी ठीक हो गई है सागर की, जलेबी तो खा ही सकता है। अम्मा जी आज खुश हो जाएंगी आप, ऐसा काम किया है हमने। हम आपके लिए रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं। हम जानते हैं आप विधवा जीवन की परंपराओं का बड़ी सख्ती से पालन करती हैं। सही बोलें तो हम आपकी इन भावनाओं की बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं और उन सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं जिन्हें विधाता। बस विधवाओं और महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं पता चल गया है मुझे। बाबू क्या हुआ ये सब, हमें ऐसे सब लोग क्या हुआ साले बाबू? एडमिशन के लिए आपने पापा से फॉर्म और नकली मार्कशीट ली थी ना?
लेकिन प्रिंसिपल सर ने बताया कि वो फॉर्म सबमिट हुआ ही नहीं, तो रिपोर्टर्स को किसने बताया कि वो मार्कशीट नकली थी? आपने, है ना? क्यों फूफा जी, पापा को बदनाम करने के लिए, उनका करियर खराब करने के लिए? आपने गंगा को नीम की गोली खिलाई ताकि वो मुझे या सागर के पापा को प्रिंसिपल वाली बात बता ना सके? इतनी सी बच्ची के साथ उसकी जान का खिलवाड़ किया आपने? और सुधा जी, उन पे बुरी नजर डाली और उन्हें धमकाते रहे, गंगा को भी, कि कोई मुंह ना खोले। गंगा हमेशा सच बोलती है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। इसी डर से आपने उस बच्ची को उस नर्क में बेच दिया जहां इज्जत का सौदा होता है। आपकी इस हरकत ने साबित कर दिया जीजा जी कि आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। सब झूठ है साले बाबू। अरे हमने ही तो आपको पता बताया था ना गंगा का नाटक था, दिखावा था आपने फन का, शराफत का। आप अपनी बुराई को नेकी में बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आपकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। कलाई खुल चुकी है, आपका असली रंग सबके सामने आ चुका है। ये रही आपकी सच्चाई। अब भी कोई सफाई देना चाहते हैं आप? मेरी स्वर्गीय बहन के पति हैं आप, आपकी बहुत इज्जत करता था मैं, इसीलिए जब आपने सुधा जी के मामले को गलत फहमी का नाम दिया तब आपकी बात पर यकीन न करते हुए भी मैंने आपको एक और मौका दिया था। इसीलिए नहीं कि मुझे सुधा जी के मान सम्मान की कोई परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और सबूत के अभाव में मैं सुधा जी और अपने परिवार के नाम को उछालना नहीं चाहता था। और आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ अम्मा जी के लिए हो रही, जो अपने दामाद को एक भला इंसान समझती थी। मैं जानता हूं कि इनके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी आज। मेरा विश्वास चूर चूर कर दिया आपने दामाद जी, आपको मैं हमेशा सही मानती रही। अपने बहू बेटे और इस लड़की को हमेशा मैंने गलत समझा, आप ही को मैंने सही समझा। तरस आ रहा मुझे अपने आप पर, बड़ा घमंड था मुझे कि मैं इंसान को परख सकती हूं। आज समझ में आ गया कि मैं पीतल को सोना समझ रही थी। एक पाखंडी और धोखेबाज आदमी को मैंने ईश्वर समझा। शालिग्राम जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वहां पे भी उसे चैन नहीं मिल रहा होगा। मुझे तो सोच के तरस आ रहा है कि इतने सालों तक उस बिचारी लड़की ने तुम जैसे आदमी के साथ रिश्ता रखा, जिसकी नजर में ना तो औरतों का कोई महत्व है और ना ही रिश्तों की कोई अहमियत। चुप! बहुत बोल लिया आप लोग, चुप हो जाइए अभी। पकड़ में हाँ साले बाबू, अम्मा जी सब हमने किया है,
सब हमने किया। पता है क्यों? क्योंकि इस घर पर राज करना था हमें। अरे अपनी जगह बनानी थी।